यही के भूमिपुत्र जल शक्ति मंत्री जी, DG BSF पंकज सिंह जी, उपस्थित सभी BSF के अधिकारीगण, जिन्होंने आज शानदार परेड में हिस्सा लिया है और जो अपनी चुस्तता के लिए बधाई के पात्र है, ऐसे सभी जवान भाइयों बहनों, उपस्थित सभी BSF परिवार के परिवारजनों और जैसलमेर के उपस्थित सभी आज BSF के निमंत्रण पर, हमारे निमंत्रण पर आए हुए सभी नागरिक भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज 57वां स्थापना दिन और परंपरा के अनुरूप इसकी परेड का दिन है, और इसका विशिष्ट महत्व है। महत्व दो दृष्टि से है, एक तो बल की स्थापना 65 में हुई, इसके बाद पहली बार सीमा के जिले में बल का स्थापना दिन बनाने का नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया, और मैं मानता हूं इस परंपरा को हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए, क्योंकि स्थापना दिन उसी जगह मनाना चाहिए जहां पर बल के सजग प्रहरी पराक्रम की पराकाष्ठा कर देश की सीमाओं को अक्षुण रखते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। इसलिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज जैसलमेर की वीर भूमि पर ये स्थापना दिन मनाया जा रहा है, और दूसरा, ये स्थापना दिन हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष का स्थापना दिन। आजादी मिले हुए 75 साल हुए हैं। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है, और जब आजादी की शताब्दी होगी, मतलब आज से 25 साल तक जब शताब्दी मनेगी, तो 75 से 25 साल का यह कालखंड अमृत काल के रूप में पूरा देश इसको देखेगा भी और इसके लक्ष्य तय कर मनाने का। यह आजादी के अमृत काल में यह तय करना है कि 100 साल के बाद जब देश आजाद होगा तब हम कहां खड़े होंगे। हर दृष्टि से, हर क्षेत्र से और अलग अलग डायमेंशन और परिमाणों से हम कहां खड़े होंगे, उसका लक्ष्य तय करने का ये वर्ष है। मैं मानता हूं गृह विभाग और सीमा सुरक्षा बल ने भी, आजादी की शताब्दी जब मनाई जाएगी तब सीमा सुरक्षा बल हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो ट्रेनिंग हो, तकनीकीकरण करना हो, जवानों की चुस्तता को संभाल कर रखना हो, और अलग अलग प्रकार से जो सीमा को सुरक्षित करने के नए तौर तरीके अपनाने हैं, हर दृष्टि से अपने लक्ष्य उन्होंने तय करने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और मुझे विश्वास है कि पंकज सिंह के नेतृत्व में ये काम सीमा सुरक्षा बल बहुत अच्छे तरीके से करेगा। मैं जब आज यहां पर आया हूं तो देश भर के पुलिस बल, हमारे सीमा सुरक्षा बल और सीमा सुरक्षा की अलग अलग जगह पर लगे हुए सारे CAPF के जवानों ने, 35,000 से ज्यादा जवानों ने अलग अलग जगह पर बलिदान दिए हैं, और मुझे कहते हुए गौरव है कि BSF इसमें सिरमौर है, सबसे आगे है, क्योंकि सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व BSF को दिया है। आज मैं उस सभी दिवंगत शहीद जवानों को विनम्र भाव के साथ पूरे देश की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से और गृह मंत्रालय की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, सीमा सुरक्षा बल का जो इतिहास है, बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। 1965 के युद्ध के बाद इसकी स्थापना का निर्णय किया और उसकी स्थापना के कुछ ही समय के अंदर धीरे 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 सीमा सुरक्षा बल ने अपने आप को व्यवस्थित करा, और आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल हमारा सीमा सुरक्षा बल है, इसको हमें बहुत गर्व है। चाहे पहाड़ हो, चाहे रेगिस्तान हो,
चाहे गुजरात और राजस्थान के दलदली रेगिस्तान हो, चाहे नदियों में और जंगलों में उबड़ खाबड़ बॉर्डर हो, पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर, मेघालय की बॉर्डर पर, चाहे बर्फीले तूफान के बीच में कश्मीर में, सीमा सुरक्षा बल ने ना -43 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है, ना 50 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है। हर भौगोलिक परिवेश के अंदर हर निश पराक्रम और उत्कृष्ट सेवा का प्रदर्शन करते हुए सीमा सुरक्षा बल ने अपने देश को सुरक्षित रखा है। और आज लोंगोवाल के युद्ध को कौन भूल सकता है। सेना और सीमा सुरक्षा बल ने साथ में मिलकर 1971 में लोंगोवाल में एक अदम्य उत्साह और प्रचंड पराक्रम का परिचय देते हुए बहुत कम संख्या में हमारे जवानों ने एक पूरी टैंकी बटालियन को खदेड़ दिया था, उसका संपूर्ण समूल नाश करने का काम किया था। और वो युद्ध देश भर में लड़े गए जमीनी युद्धों के अंदर उदाहरण रूप दिखाया जाता है। कई ट्रेनिंग सेंटरों में उसको सिखाया जाता है कि आधुनिक से आधुनिक हथियार हो, संख्या ज्यादा हो और सामने सामना करने के लिए हथियारों के नाम पर लगभग कुछ न हो, संख्या 1/10 हो, फिर भी अगर जवान वीरता के साथ देशभक्ति से प्रेरित होकर सामना करता है तो विजय श्री उसी का वर्णन करती है जो पराक्रमी है, जो साहसी है, जो अपने देश को सुरक्षित करना चाहता है। और ये उदाहरण आज पूरे दुनिया भर के ट्रेनिंग सेंटरों के अंदर सिखाया जाता है। कुछ समय पहले मैं ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी को मिला था, फरीदाबाद में देश का सबसे ऊंचा झंडा लहराने के लिए मैं गया था, तब चांदपुरी जी को मिलने का मुझे मौका मिला था, मुझे उसका गर्व है। मित्रों, आपको मिले एक महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र और अगिनत पुलिस मेडल आपके सीमा रक्षण में एक अद्वितीय बल होने का सबसे बड़ी साक्षी भरता है कि ये बल को इतने सारे वीरता के चक्र मिले हैं, वो मेरे लिए भी गौरव है। मित्रों, मानव जाति के इतिहास में वीरता को सम्मानित करने के लिए कोई पदक बना ही नहीं है। आपकी वीरता स्वयं में पूरे देश के लिए एक पदक है, इससे ज्यादा परिचय में आपकी वीरता का नहीं दे सकता। और मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रपति महोदय ने, प्रधानमंत्री महोदय ने जिस पराक्रमी बीएसएफ के जवानों को पदक लेकर पुरस्कृत किया है, जिनका सम्मान और गौरव किया है, वो केवल उन जवानों के लिए नहीं, समस्त बीएसएफ की 2,65,000 की संख्या वाले बल के लिए प्रेरणा का स्रोत हमेशा रहेगा। अटल जी के समय में एक निर्णय हुआ कि एक देश एक बल, देश से जुड़ी हुई सीमाओं के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला कर पूरी होच पोच को समाप्त करने का काम किया गया। एक देश की सीमा पर एक ही बल होगा और उस वक्त बीएसएफ के लिए उचित ही है, वैसे बीएसएफ के लिए सबसे कठिन सीमाओं का चयन किया गया, 4,165 किलोमीटर की बांग्लादेश की सीमा और पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं ये दोनों सीमाओं का रक्षा सबसे कठिन होता है, परंतु 193 बटालियन और 2.5 करोड़ से ज्यादा, लगभग 2,65,000 जवानों का आपका जो मजबूत संगठन है, उसने इस सीमाओं की बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा कर अपने आप को साबित करने का काम किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री सीमाओं के प्रहरियों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे। इन्होंने एक आयुष्मान योजना का प्लानिंग किया है, जिसके तहत देश के सभी सीएपीएफ को और उनके परिवारों को पूर्ण स्वास्थ्य कवर एक कार्ड से दिया जाएगा। स्वास्थ्य कवर पहले भी दिया जाता था, पूर्ण स्वास्थ्य कवर ही दिया जाता, मगर इसके लिए
इतनी बड़ी लिखाई पढ़ाई करनी पड़ती थी, तो जब सीमा पर जवान तैनात होता है, बूढ़ा बाप बीमार पड़ जाता है, छोटी बच्ची या बच्चा बीमार पड़ जाता है, बहुत चिंता होती थी। आज सभी परिजनों के लिए एक कार्ड देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिससे कार्ड स्वैप करते ही आप 21,000 से ज्यादा अस्पतालों के अंदर आपके परिजनों का, आपका खुद का भी इलाज, बड़े से बड़ा इलाज बहुत अच्छे से करा सकते हो। कल ही मैंने सीमा पर रोहतास चौकी पर कुछ कार्ड का वितरण किया और बीएसएफ सीमा सुरक्षा बीएसएफ के सुरक्षा बल द्वारा 4.5 लाख स्वास्थ्य कार्ड अब तक वितरित कर दिए गए हैं और बहुत जल्द ही सभी के सभी स्वास्थ्य कार्ड देने का काम पूरा हो जाएगा। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन के रेशियो को भी हम बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई हैं। मुझे भरोसा है कि 2025 के पहले हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में हम काफी प्रगति करेंगे। केंद्रीय अनुग्रह राशि जो 35 लाख और 25 लाख की है, वो भी देने में अब चुस्तता हुई है। मेरे आंकड़े मुझे बताते हैं कि 1 महीने के अंदर इस राशि को हम शहीद के परिवार तक पहुंचा देते हैं, या तो जो जवान ड्यूटी पर अवसान हुआ है उसको पहुंचा देते हैं। हवाई कुरियर सेवाएं शुरू की है, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार को भी और चुस्त दुरुस्त किया गया है, और अभी जब कोरोना का काल आया तब हमारे सभी सीएपीएफ ने और देश भर के पुलिस बल ने अपना एक मानवीय चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखा है। अगणित हमारे साथी कोरोना में लोगों की सेवा करते करते खुद कोरोना ग्रस्त होकर उनका मृत्यु भी हुआ है। परंतु शांति काल हो या युद्ध काल हो या सीमा के अंदर हो, सीमा सुरक्षा बल देश की जनता की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पूरा करा है और मैं मानता हूं कि इसको लंबे समय तक देश जब जब भी कोई महामारी आएगी निश्चित रूप से याद करेगा। दूसरे एक पहलू पर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा बल और हमारे सभी सीएपीएफ के जवानों ने मिलकर 2 साल के अंदर लगभग 2.5 करोड़ वृक्षों को न केवल बोने का काम किया है, वृक्षारोपण किया है, उसको पूर्णतया सुरक्षित करते हुए 100% वृक्ष बड़े हो इसके लिए भी काम किया। और पहली बार वैज्ञानिक तरीके से सभी सीएपीएफ ने बल्कि हर जवान को एक एक वृक्ष के साथ जोड़ते हुए ये वृक्ष लगाए हैं। इसकी चिंता भी हो रही है, इसका रख रखाव भी हो रहा है, और जो वृक्ष ठीक नहीं पाते थे उनको फिर से लगाने का भी एक बहुत बड़ा आयोजन किया है। मैं सीमा सुरक्षा बल के डीजी के माध्यम से सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश की सीमाओं की सुरक्षा को एक अलग प्रकार की गंभीरता से भारत सरकार ने लिया है, और जहां जहां पर भी सीमा पर अतिक्रमण करने का प्रयास हुआ, जहां जहां भी हमारे सीमा सुरक्षा बल या कोई सीएपीएफ के जवान पर घात करने का प्रयास हुआ, हमने तुरंत ही जवाबी कार्यवाही की है और हमारे जवान और हमारी सीमा दोनों को कोई हल्के से नहीं ले सकता। इसका उदाहरण भारत ने हमेशा पूरा करने का प्रयास किया है। जब उरी में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, और उसी वक्त भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत निर्णय करते हुए एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर उसका जो जवाब दिया, इसकी पूरी दुनिया भूरी भूरी प्रशंसा करती है। मित्रों, कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, कोई भी देश तभी जाकर दुनिया में आगे बढ़ सकता है, और कोई भी देश तभी अपनी संस्कृति को पनपा सकता है, फला फूला सकता है, जब वो सुरक्षित हो। और आप देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले जवान हैं, पूरा देश
आप पर गर्व करता है और भारत की सरकार के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा का मतलब ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। तो आप सदैव ये बात को याद रखिए कि आप सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, इसके साथ साथ पूरे देश को सुरक्षित कर दुनिया में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम भी आप कर रहे हैं। वो मुझे आप लोगों को इसलिए बताना है कि ये सीमा सुरक्षा पर की कठिनाइयां ही अपनी भारत माता को पूरे विश्व में सर्वोच्च स्थान पर आरूढ़ित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पूरा करती हैं। मित्रों, हमने कई प्रकार की नई तकनीकों को अपनाया है। पंकज सिंह जी ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं बल को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि विश्व में उपलब्ध सर्वोच्च तकनीक आपकी और सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल को उपलब्ध कराई जाएगी। ये सरकार का कमिटमेंट है और सरकार उस दिशा में काम करेगी। ड्रोन का भी खतरे की जिक्र हुआ, ड्रोन के खतरे को निपटने के लिए, ड्रोन प्रतिरोध प्रणालियां बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल, हमारा एनएसजी और डीआरडीओ तीनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों पर मुझे पूरा भरोसा है, कुछ ही समय के अंदर हम स्वदेशी ड्रोन को कंट्रोल करने वाली प्रतिरोध प्रणाली बनाने में सफल होंगे और इसका भी हम तुरंत ही निपटारा करेंगे। मित्रों, अभी अभी भारत सरकार ने ढेर सारे कदम आपके यहां जो जगह है खाली है उसके लिए उठाए हैं। 50,000 जवानों की भर्ती का काम पूरा हो गया है, उनकी ट्रेनिंग चालू हो गई है और आगे पर भी हम इसको बढ़ाने के लिए निश्चित प्रयास करेंगे। मित्रों, सीमा की सुरक्षा के लिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़क निर्माण का जो बजट था वो 2008 से 2014 लगभग 23,000 करोड़ था और 2014 से 2020 तक नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 23,700 करोड़ से बढ़ाकर 44,600 करोड़ का करा है। यही बताता है कि सीमा की सुरक्षा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कितनी कटिबद्ध है। मित्रों, राजस्थान की लगभग 1,070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भारत माला प्रोजेक्ट से राजस्थान में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पूरे देश में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़कों से 24,800 किलोमीटर सड़कें बनानी है। कल ही में भारतमाला प्रोजेक्ट में बनी हुई सड़क पर अंतिम चौकी पर जाकर आया हूं, तब मुझे मालूम पड़ा कि मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो सीमा सुरक्षा के लिए कितना उपलब्ध है, उनकी उपलब्धता के लिए, जवानों की चीजों की उपलब्धता के लिए कितना अच्छा है। अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया, 6 सालों से काम नहीं होता था, वो मोदी जी के समय में ही हुआ और लगभग 14,450 किलोमीटर रोड 2007 से 2020 तक बनाने का काम, सीमा के रोड बनाने का काम हमने पूरा कर दिया है और इसमें 7,270 मीटर लंबे पुल बनाए हैं। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार की लेवल से ये फैसले हो रहे हैं। क्रिटिकल बॉर्डर प्रोजेक्ट हेतु भूमि अर्जन को आसान बनाने के लिए गृह मंत्रालय को भूमि अर्जन का और पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन का काम सरकार ने घोषित किया है, इससे और आगे पर सरलता होगी। मित्रों, हमारी सीमाएं जितनी सुरक्षित होगी सीमावर्ती क्षेत्र भी इतना ही सुरक्षित होगा और सीमावर्ती क्षेत्र को सुरक्षित रखना है तो सीमावर्ती क्षेत्र के भाइयों बहनों के लिए, वहां के नागरिकों के लिए ढेर सारी योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाई है। मेरा बीएसएफ के सभी जवानों को एक आग्रह है कि आप सीमा की सुरक्षा के साथ साथ जब समय मिले तब ये योजना के क्रियान्वयन पर भी ध्यान रखिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ चर्चा कर सबके घर में बिजली पहुंची या नहीं पहुंची,
सबके घर में शौचालय पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, सबको अपना स्वास्थ्य कार्ड मिला है या नहीं मिला है, मुफ्त राशन जो भेजा जा रहा है वो नागरिकों को मिलता है या नहीं मिलता है, इसकी भी आपको चिंता करनी पड़ेगी। तभी जाकर सीमा पर रहने वाले हमारे सभी नागरिकों को जब हम खुशहाल रखेंगे, उनकी सुविधा में बढ़ोतरी करेंगे, तो अपने आप में सीमा की सुरक्षा करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है सीमा सुरक्षा बल उसको भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा और सीमा पर रहने वाले नागरिकों के साथ संबंध और संवाद दोनों को पुख्ता कर सीमा सुरक्षा का एक चक्र ठीक से हम पूरा करेंगे। मित्रों, फिर से एक बार मैं बलिदानी सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत विनम्रता के साथ और भावना के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपके दिए हुए बलिदान के कारण ही आज देश सुरक्षित है, सुनिश्चित भी है और 130 करोड़ का देश बहुत आराम की चैन की नींद इसलिए सो रहा है कि आप सीमा पर रात को जागकर सीमा के प्रहरी बनकर पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैं आपके अदम्य उत्साह और पराक्रम को नमन करता हूं और आप सभी को स्थापना दिन की फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।